नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लोजर टेक में। सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लोजर टेक में। मैं सौरभ आज आपको बताऊंगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज और अपडेट्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला अपडेट है वो है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो अपना फाइबर टू द होम जो है FTTH लाने वाला है। ये सर्विसेज जून से चालू होगी। इसके प्लान्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये ट्रायल बेसिस पे होगा, पहले थोड़े शहरों में, और फिर जियो कंक्लूजन देगा कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो जैसे जैसे डिमांड होगी वैसा वैसा सप्लाई होगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है जियो का फाइबर। दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो है ऑटोमोबाइल मार्केट की तरफ से, जो कि ये बोलता है कि आप अपनी स्पीड लिमिट्स में रहिए या तो फिर आपके पेरेंट्स को एक SMS चला जाएगा। जी दोस्तों, बेस्ट कॉलेज ने एक इन्वेंशन किया है कि अगर आप आपकी स्पीड ओवर स्पीड करते हैं, अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटी, तो आपके पेरेंट्स को एक मैसेज चला जाएगा। और इसको छोड़ के अगर आपका व्हीकल की ब्रेक्स फेल है या फिर वो उसका इंजन हीट हो रहा है, तो उसका भी SMS आपके फ़ोन पे या फिर आपके पेरेंट्स के फ़ोन पे चला जाएगा। तो एक अच्छी बात है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। ये पेस कॉलेज के जो इन्वेंशन है वो उनका पेटेंट करवा के वो RTO में देने वाले हैं। तो अच्छी बात है RTO वालों के लिए। तो दोस्तों जो तीसरा अपडेट है वो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अपना G3 प्राइम फ़ोन लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस है ₹9,600 और $150। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका में लॉन्च हुआ है। इसके अंदर है 1.4 GHz का Exynos का 7570 का प्रोसेसर, 1.5 GB के रैम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज, 5 MP का रियर कैमरा और 2 MP का फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों ये जैसे ही फ़ोन इंडिया में आता है मैं आपको बताऊंगा और अपडेट दूंगा कि आप कहाँ से खरीदना है और कैसे खरीदना है। दोस्तों जो चौथा अपडेट है वो आईफोन 8 की तरफ से। रोज़ आईफोन के नए नए लीक्स सामने आ रहे हैं, तो देखते हैं आज का कौन सा लीक है। आईफोन 8 का ये लीक है कि उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग, और इसके अंदर जो पीछे टच ID या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर आप बोल सकते हैं वो नहीं होगा, आगे होगा वो फिंगरप्रिंट सेंसर। डुअल कैमरा तो रहने ही वाला है आईफोन में, और आईफोन के अंदर एक इंडक्टिव पैड होगा जिस पर आप अपना फ़ोन रख देंगे तो चार्जिंग चालू हो जाएगा। ये चार्जिंग सिस्टम का नाम है QI। तो देखते हैं क्या क्या हो रहता है आईफोन 8 के अंदर और कैसे कैसे अपडेट्स मिलता है। तो दोस्तों जो पांचवी अपडेट है वो है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपनी एक स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है जिसका नाम है V Loop K3S, जो कि है एप्पल वॉच की क्लोन। ये आती है ₹5,000 के अंदर। तो जैसे ही इसका कुछ अपडेट आगे मिलेगा मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों जो आखिरी अपडेट है वो है वीवो यूज़र्स के लिए। वीवो V5S लॉन्च हो चुका है, इसकी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो जल्दी प्री बुकिंग करवा लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।